जब आप चल चल के थक जाते हो तो यहाँ पे जगह जगह को ये बेंचेस लगाए हैं, आराम से इस पर आप बैठ कर रेस्ट करके सो सकते हैं। वी आर ऑन द वे और हमको एक प्यारा सा झरना मिला है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठ के चिल करेंगे। चावल चीनी के लिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से चावल चीनी होते हुए निकलेंगे, तो अभी हम लोग चावल चीनी के लिए जा रहे हैं। फाइनली मड कोर्ट, तो ड्राइवर भैया मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भी नहीं कर पाए तो हम लोग मड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हम जा रहे हैं हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी कि गर्म पानी का कुंड। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर नहाने से सारे जो स्किन डिजीज होते हैं वो दूर होते हैं। ये सामने थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी पड़ती है और उसके बाद थोड़ा सा है 100 मीटर या 200 मीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ कैसे पड़ी हुई है यार, यहाँ ठंडा पानी है इस तरफ और सामने गर्म पानी का कुंड है। अच्छा, वो सामने से पैदल चल के जाने की ज्यादा नहीं है चलने का, और ये है पूरा ये ठंडा पानी है। सही है, उतरने में नहीं लग रहा लेकिन चढ़ने में लगता है। गंदा चाहिए भाई साहब, अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सही है। जल में ऐसे गर्म और कम ठंडा, ज्यादा ठंडा आ रहा है पानी। ये पानी स्किन डिजीज को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा मेंटेनेंस कर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग
इनकी ड्राइविंग अच्छी करती है, हाय हाय किसी को बाय ना करें। और इनका नंबर हम डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको अगर कहीं जाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे और इनको अपने साथ ले जा सकते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं रास्ते में। कैलाश मानसरोवर यात्रा के यहीं से मतलब रास्ता भी गया है, तो ये देखिए स्टार्टिंग होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। हम लोग आ गए हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर में, और अब हम लोग उतरने वाले हैं और इंडिया नेपाल की बॉर्डर में इस समय हम लोग जो भी गाड़ी लगा रहे हैं चलते हैं। ये चल रहे अभी नेपाल की गलियों में है। हेलो, मजा आ गया, हम सच्चे एडवेंचरस के साथ। हम लोग अभी नेपाल की मार्केट में, काली नदी क्रॉस करके आने के बाद इस तरफ नेपाल है और उस तरफ भारत है, और ये सामने है काली नदी जिसको क्रॉस करके हम लोग आए, और झूला पुला उसको क्रॉस करके आने पड़ता है। यहाँ पर आके लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो हम लोग अभी हैं नेपाल की गलियों में, तो इट्स वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेपाल में हम लोग हम लोग विदेश आए थे। अच्छा, यही तो विदेश यात्रा नेपाल दोस्तों। हम जहाँ पे खड़े हैं हमारे पीछे है काली नदी, अभी हम उसका काली नदी और उसका व्यू दिखाएंगे जहाँ पे संगम होता है। तो हम नेपाल के अंदर हैं और पूरा मार्केट आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरफ नेपाल है और उस तरफ आपके पीछे दूसरे इंडिया है। हाँ, हम बॉर्डर पे हैं, हम बॉर्डर। तो यहाँ पर आए तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट हमने चेकआउट किया और कुछ चीजें देखने लगे। भैया मुझे बैग दिखाइए, ये नीचे लगा ये वाला ग्रीन, क्या कॉस्ट होगा इसका? इसका कॉस्ट 500 रुपए। 500 रुपए यहाँ से नेपाल से ये बैग परचेज किया है, तो मैंने बार्गेनिंग कराया उसको 50 रुपीज ऑफ कराया भैया से, तो मैंने इसको परचेज किया है 450 रुपीज में। क्या है, छोटा हो रहा है ये? ज्यादा टाइट नहीं हो जाएगा? 28 नंबर खींच के 27 नंबर होगा, है ना? पतली है, इतनी भी नहीं है। सही है, ये 1 पीस जैसा है आपको? ये 1 पीस जैसा ना, और कलर है क्या इसमें? यही लगे हैं। आपकी शॉप है क्या धीरे? ये अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा है। ये आप ही का शॉप है? क्या प्राइस है इसका? 550। हर चीज 550, कुछ और से कम नहीं होता? हाँ, वो 450 ही। कुछ कम करो इसका, 400 लगा दो ना, 400 लगा दो। कलर अच्छा लग रहा है, मुझे एक साइज बड़ा मिल जाएगा, मुझे लगा टाइट है। सेम कलर में चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, स्मार्ट सुंदर है। अब ये वाला ट्राई करते हैं। हाँ,
एक साइज बड़ा, एक साइज बड़ा, तो दोनों में से हमारे भी है। इसको ट्राई करते हैं, मुझे बताना ये कलर दे दो, मस्त है ये कलर, यही चाहिए मुझे, तो कलर ही अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, ये वीडियो का किसका है? मेरा तो किसी का है, तुम्हारा अंकल का, बस अंकल का। तो ये कलर, ये भैया मुझे भी ऐसा वैसा कुछ पतले कपड़ा लगे। क्या बच्चों का है? येलो वाला ट्राई कर दीदी, साइज है यार। अच्छा साइज की प्रॉब्लम है, वो पिंक वाला देखना, ये जो पिंक पिंक वाला, ये वाला पिंक है जो लाइट पिंक है, ये देखो। हाँ दिखाइए, प्योर कॉटन का है, आओ दीदी। हम लोग आ चुके हैं बॉर्डर को क्रॉस करके, यानी नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके अपने देश भारत। बस एक नदी का अंतर है, काली नदी, आप उधर चले जाते हो तो नेपाल में, इधर आ जाते हो तो भारत में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। हम लोग जॉल जी भी आ गए हैं और यहाँ पर काली नदी और गौरी नदी का संगम पॉइंट है, तो अभी तो मैं आपको थोड़ा पास दिखाती हूँ। तो नेचर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, दो नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं और उनकी धाराएं एकदम साफ साफ दिखाई देती हैं, बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो सिर्फ हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आंखों से देखना उसका अलग ही मजा है। इसके ऊपर से एक पुल है जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई और वो भी नेपाल की तरफ जाता है, लेकिन बहुत बड़ा पुल है और इस नदी का बहाव बहुत ज्यादा था। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखा था ठंडा करने के लिए, वो उसको बहा के लगी, तो इसमें उतरने में थोड़ा सा मतलब डेयरिंग की जरूरत है और मतलब संभल गए, उतरना नहीं चाहिए, पास में रहना चाहिए, मैं तो कहूंगी बीच में जाना भी नहीं चाहिए। और इस वीडियो का एक मोमेंट जहाँ पर मैंने अपनी बुक का जो शूट किया और बहुत अमेजिंग वीडियो निकल के आया है, और आप लोग देखकर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा बना है, और ये इंस्टेंट आइडिया था बट आई लव इट। हम लोग ने रास्ते से खरीदे ये हमारे को भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ का स्वाद कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा मीठा है और टेस्टी है। तो हम लोग यहाँ पर लौटते समय रुके हैं धामी भोजनालय स्वीट्स नमकीन में, और यहाँ पे नमकीन वगैरह ये लोग बना के देते हैं फ्रेश, और जाते समय जब हम गए थे मुंशियारी यहाँ पे रुके, हम लोग ने खाना वाना खाया था, बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है, और यहाँ पर नमकीन वगैरह भी हम लोग देखते रास्ते के लिए, आप जैसे देख सकते हैं पैक हो रही है सबकी, और ये एक पैकेट दो पैकेट सबने अलग अलग अपना पैक करा रखा है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से कानपुर लेकर भी जा रहे हैं।
यहाँ पर पहुँचे हैं, पिथौरागढ़ यहीं से वापस रिटर्न होंगे कल, तो हमें होम स्टे या होटल के लिए जो मिला वो बाखली में। तो हम लोग आज यहाँ पे रुकने वाले हैं। हम लोग जहाँ गए थे होटल में, एक्चुअल में वहाँ का भरा हुआ है पूरा, कुछ भी खाली नहीं है। लेकिन अच्छा ही है बाहर, है ना? अच्छा, ये हमारा लास्ट रूम है जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। लेकिन तो ये है हमारा लास्ट होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं बाकी, और अच्छा है, ऊपर है सेकंड फ्लोर पर। तो ये है हमारा लास्ट होटल जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर हम एक साथ चार लोग रह सकते हैं। यहाँ पर तीन लोग सो जाएंगे, बड़ा सा बेड है जैसे ये लोग लेटे हैं, और यहाँ पर एक सिंगल बेड है जहाँ पर मैं सो जाऊंगी। और यहाँ पर बाहर पूरी ओपन एरिया है और काफी अच्छा है, ओपन प्लेस आप बैठ भी सकते हैं चाहे तो। डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग आगे छत पे बैठ गए। यहाँ से हमने पहाड़ों का जो व्यू देखा कितना ही ब्यूटीफुल था, और यहाँ पर हम लोग बैठ के थोड़ा देर गपशप किए, क्योंकि ये एक साथ हम लोगों की आखिरी रात होने वाली थी। हमारा जो ये ट्रिप था ये अपने कहते नहीं है कि ढलान पे आ गया था, यानी कि एंड पे आ गया था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमने आके बहुत अच्छा मी टाइम स्पेंड किया अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग निकल चुके, और अब फाइनली हम लोग अपने अपने रास्ते होने वाले हैं। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, और इस सीरीज़ का भी एंड यही करती हूँ। और रास्ता बहुत मज़ेदार था, हमने बहुत इन्जॉय किया, और हम लोग काफ़ी रात हो गई थी घर पहुँचने में, और लेकिन कहते हैं ना कि एडवेंचरस ट्रिप थी हमारी रियली really।